टेनिस क्रिकेट बुमराह में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ मौजूद है अमन स्पोर्ट्स के संस्थापक और बुमराह इंडियंस के एक अहम हिस्सा जो कि MIPL के ऑर्गेनाइजर भी है। तो सबसे पहले आपको MIPL सीजन 4 के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब्दुल करीम भाई, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अक्सर आपको देखा गया है कि बुमराह क्रिकेट को आपने काफ़ी बढ़ावा दिया है, सो हम जानना चाहेंगे कि MIPL में आपने जो टीम ली है, जो ओनरशिप लेते हो, इसके पीछे बेसिकली क्या क्या मोटिव रहता है आपका? सबसे पहले हमारे जो बच्चे लोग हैं क्रिकेट खेलते हैं, वो लोग ने बोला कि करीम भाई एक MIPL का कुछ ऐसा रखो, बड़े बड़े टूर्नामेंट जो लोग रखते हैं, मुदस्सिर भाई, अगर ये अपना सैयद अली भाई साहब जी सब रखते थे, इसके लिए हम लोग भी अपना इनुस भाई और सत्तार भाई, ये लोग ने मिलकर बोले कि चलो हम लोग भी एक MIPL रखते हैं बुमराह इंडियन प्रीमियर लीग का जी। तो इसमें हमारे तीनों दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, तो इसके लिए हम लोग ने प्लान बनाया चलो अपना एक IPL का हम भी रखते हैं। ओके, सो जैसे कि देखा गया कि इसके अलावा यूपी में भी सुजानगंज प्रीमियर लीग जो होती है उसमें भी आपका एक पार्टिसिपेशन रहता है, तो उस लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो लीग तो ऐसा है कि हमारा घर का जैसा लीग है, वहाँ हमारे गांव वाले इतने हैं कि बोलते भाई ये टूर्नामेंट रखो जी, उसकी वजह से बेसिक रखो, बच्चे लोग वो टूर्नामेंट देखते हैं और खुश रहते हैं। ओके, सो हमारे साथ साथ ही साथ मौजूद है समीर जो कि आपके आइकॉन प्लेयर है। तो समीर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस MIPL सीजन 4 में जो आपकी टीम बनी है उसमें आपको क्या लगता है, आप किस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो, मतलब बॉलर और बैट्समैन या फिर फील्डर, आपकी टीम में कौन ऐसे जो आपको लगता है जो अच्छा परफॉर्म करके देंगे आपको? जी, हमारी जो टीम बनी है MIPL के अंदर, हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी टीम के हिसाब से, वो तो अलहमदिल्ला पूरी एकदम परफेक्ट एकदम बैलेंस टीम बनी है जी। तो टीम से तो कोई डाउट नहीं है, जिस तरीके की हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो प्लेयर को हमने सोचा था कि जिससे परचेज करना है जी। तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर बहुत सारे प्लेयर जो है हमारे पास आ गए, जिसकी हमने लिस्ट बनाई थी, सारे 15 प्लेयर हमें वही मिले जो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थे। ओके, फिर जो है हमारी जो टीम बनी है उससे कोई हमारे डाउट नहीं है, जो टीम बनी है। ओके, सो अब्दुल करीम भाई, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि समीर को आपने एज आइकॉन चुना, सो क्या खूबी देखते हैं आप समीर में? समीर बहुत अच्छा प्लेयर है और इतना अच्छा प्लेयर है, इसके लिए हमको उसकी बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसको देख के हमने उसको आइकॉन बनाया। और बुमराह में बहुत कम लोग जानते हैं इसको, मगर मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है। ओके, सो आपकी नज़र में ऐसा कोई और प्लेयर होगा जो आप जिन्हें अपनी टीम में लेना चाहते थे बट अनफॉर्चुनेटली आप उन्हें नहीं खरीद पाए, ऑप्शन में हो किसी और की टीम में, ऐसा कोई प्लेयर? वो प्लेयर तो आया था, उसको नाम उसका नाम था पास्ते। ओके, मैंने कोशिश बहुत किया मगर वो मेरे उसमें आए नहीं। ओके, सो समीर, जैसे कि देखा जाता है आइकॉन प्लेयर पर एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, सो आप अभी कैसा फील करें, एक प्रेशर है आपके ऊपर या आप उस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाना चाहोगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे को एज आइकॉन प्लेयर लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो है टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूँ जी, बट फिर एज आइकॉन प्लेयर मेरे को चूज़ किया तो उसकी काफ़ी जो है खुशी है मेरे को उसकी लिया गया, तो उसके लिए मैं करीम भाई को जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एज आइकॉन प्लेयर चॉइस किया है। और फिर जो कि एज आइकॉन प्लेयर जो होता है जो भी जिस भी टीम का, तो उसके ऊपर एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, मतलब जो भी बाहर के जो भी प्लेयर्स आते हैं कोई भी पूछता है, तो हर कोई जो है ओनर से पूछता है, कैप्टन से पूछता है कि तुम्हारा आइकॉन प्लेयर कौन है, नो डाउट। टीम के प्लेयर भी जो उसके अंदर होते हैं तो वो भी सारे अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं, बट आइकॉन प्लेयर के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, फोकस भी ज़्यादा जिम्मेदार के जैसे उसके बारे में पूछते हैं। बिल्कुल, तो फिर जिस नियत से करीम भाई ने मेरे को लिया, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो है करीम भाई ने जो सोच के साथ मेरे को एज आइकॉन प्लेयर बनाया, तो कि परफॉर्म उस तरीके से कोई बैट से बॉल से फील्ड से, और इंशाल्लाह। तो समीर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो MIPL की जो दूसरी टीम है उन टीमों में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी टीम लग रही है? जो MIPL के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टीम है मेरे हिसाब से, तो एक राइस राइडर्स है और एक सेवन स्ट्राइकर्स है, ये दो टीम है मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग है हमारे टीम के अलावा। ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो हमारी। ओके, हमारे अलावा ये दो। ओके, सो अब्दुल करीम भाई, आपकी क्या राय है इस मामले में, कौन सी टीम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है? जो हमारे आइकॉन प्लेयर ने बोला वही सेवन स्ट्राइकर और ये राइस राइडर्स। तो आपकी कोई रणनीति बन रही है इनके खिलाफ, कैसे परफॉर्म करना है, कुछ आप स्ट्रेटेजीज बना रहे होंगे? कोई कुछ बनाने की जरूरत नहीं, हमारे बच्चे लोग जो हमारे खेलेंगे वो खुद ही रणनीति बना लेंगे, अपने बनाने की जरूरत नहीं है। तो खैर जो भी है वो बनाई जाती तो बताई तो जाती, बिल्कुल ऑन द फील्ड दिखाएंगे आप। अब्दुल करीम भाई, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि MIPL का जो एक नियम है, एक रूल्स है कि दो चॉइस प्लेयर लेने होते हैं आपको, सो आपकी टीम में कौन से है वो दो चॉइस प्लेयर? बंटी मात्रे। ओके, तो क्या आप क्या सोच करके उनको चॉइस प्लेयर लिया, मतलब किस तरीके का, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद रखते अच्छा प्लेयर है, हमारे एरिया के बच्चे लोग हैं इसके लिए उनको लिया।
ओके सो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप MIPL के ऑर्गेनाइजर्स में से एक ऑर्गेनाइजर हो, सो जो बाकी के ओनर्स है, जो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, जो प्लेयर्स है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे एज अ ऑर्गेनाइजर, क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूँगा कि ये अपना इवेंट है और सब मिल जुल के खेले अच्छी तरह से, बस यही हमारा उनसे वो है, बाकी कुछ नहीं। ओके सो टेनिस क्रिकेट मुमरा की तरफ से आने वाले MIPL सीजन 4 के लिए आपकी टीम जो है अमन स्पोर्ट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी टीम जो है टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेगी, हमारी विशेष रहेंगी आपके साथ, और हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।